साथियों, मैं नरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आपको पता ही चल गया होगा कि डीजीटी ने जो अपना रिजल्ट कल शाम को अपडेट कर दिया था, अगर आपने रिजल्ट चेक नहीं किया तो कर लीजिए। तो साथियों, आज जो हमारा वीडियो का मेन टॉपिक है, जो फेल छात्र हैं इस रिजल्ट में, जो बच्चे फेल हुए हैं, कई बच्चों का जो मैसेज आया था मेरे पास कि 0-0 शो कर रहा है, या कई बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट में फेल है, ज्यादातर जो बच्चे ड्राइंग में यहाँ पर फेल दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में उन बच्चों का अब आगे क्या होगा, तो उसी के ऊपर आज हम वीडियो लेकर आए हैं। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो साथियों, जैसे कि आपको एनसीपीटी एमएस पर खोलेंगे तो डायरेक्ट ट्रेनिंग मार्कशीट से भी आप जो अपना रिजल्ट ओपन कर सकते हैं। तो जब क्लिक करते हैं तो हमने यहाँ एक स्टूडेंट का रोल नंबर लिया है, तो वो हमने डाल दिया है, और इसका हम आपको रिजल्ट चेक करके बताएंगे भी क्या प्रॉब्लम है, किस सब्जेक्ट में फेल है, और आगे आपने क्या फर्दर स्टेप करना है। जैसे ही हम बच्चे का ये देखिए, बच्चा जो है अंकुश पाटीदार है, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में फेल है। काफ़ी बच्चे जो है और सब्जेक्ट में फेल बता रहे हैं, थ्योरी में, कोई वर्कशॉप कैलकुलेशन में है, तो ऐसे में क्या करना है। तो देख सकते हैं जो भी छात्र फेल हैं, तो ड्राइंग में साथ ही बहुत ही कम बच्चे फेल होते हैं, लेकिन इस बार ज़्यादा यहाँ पर काफ़ी मेरे मैसेज आए बच्चों के, जो ज़्यादातर ड्राइंग में भी फेल दिखाए जा रहे हैं, और कुछ एक जो है प्रैक्टिकल में भी ऐसे बच्चे जो कमेंट्स आए मेरे पास, पर्सनल मैसेज भी आए। तो साथियों, अब आपको करना क्या है, या तो आप जो है अब थ्योरी का जो है ये आपका जिस सब्जेक्ट में आप फेल है उसका पेपर दे सकते हैं, अगर आपको ऐसा डाउट लगता है। अगर आपको ऐसा डाउट लगता है कि हमने पेपर तो बहुत बढ़िया दिया था लेकिन हमारा रिजल्ट जो है फेल हो चुका है, तो ऐसे में साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको नीचे दो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, एक है लेफ्ट साइड में एक्सेप्ट का और एक साइड है रेज ए ग्रेवियंस। तो अगर आपका रिजल्ट बिल्कुल ओके है, अगर आप पास है, तो आप सभी बच्चे इस एक्सेप्ट बटन को जरूर दबा दीजिएगा। अगर आपको डाउट है किसी सब्जेक्ट में, जैसे कि फेल है या जीरो दिखा रहा है या कुछ भी है, और आपको ऐसा लगता है कि हमारा पेपर अच्छा हुआ है, तो उस केस में यहाँ पर जो राइट में बटन दिया हुआ है रेज ए ग्रेवियंस, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं कि आप एक शिकायत दर्ज करना चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट गलत है, इसे जो है चेक किया जाए दोबारा। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये लिखाएगा, आई एग्री डेट इन केस रेज ए ग्रेवियंस द रिजल्ट डिक्लेयर हेयर बाय एंड डाउनलोडिंग ऑफ मार्कशीट एनटीसीबी विल बी पुट ऑन होल्ड अप्रोक्सीमेट 30-45 डेज टिल रेजोल्यूशन ऑफ ग्रेवियंस। तो साथियों, ये सोच समझ के कीजिएगा, जिस बच्चों को पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारा पेपर बिल्कुल सही हुआ था, तो ऐसे बच्चे ही ग्रेवियंस क्रिएट करें, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि ग्रेवियंस अगर आप क्रिएट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है, मार्कशीट है, वो होल्ड पर रख दी जाएंगी मैक्सिमम जो है 30 से 45 दिन के लिए, जब तक आपका रिजल्ट पूरी तरह चेक नहीं हो जाता। तो अगर आप ग्रेवियंस करते हैं तो 1 से 1.5 महीने तक आपका रिजल्ट जो रोक दिया जाएगा, मार्कशीट रोक दी जाएगी। तो जो ऐसा बच्चा अगर करना चाहता है तो वो यहाँ पर ओके का बटन दबाएं, अदरवाइज आप कैंसिल कर दीजिए। तो आप समझ गए होंगे, जो पूरा कॉन्फिडेंस है बच्चे को कि पूरा सही पेपर हुआ था हमारा, वही यहाँ पर ओके का बटन दबाए, अदरवाइज आप कैंसिल ही कर दें अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो। और ये काम बच्चे आप स्वयं ही करें तो बहुत ही अच्छा होगा, किसी दूसरे से मत करवाइएगा, क्योंकि ये अगर आपने ग्रेवियंस क्रिएट किया है तो 3 से 45 दिन आपका लग जाएगा रिजल्ट आने में, तो इसे सोच समझ के ही आप कीजिएगा। तो यही फिलहाल आपके लिए जो है डीजीटी ने यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि यहाँ पर जो है आपको को पूरा कॉन्फिडेंस है तो ही आप रेज कीजिए ग्रेवियंस, क्योंकि तो अगर ग्रेवियंस आपने क्रिएट किया तो 3 से 45 दिन आपके रिजल्ट को जो है अपडेट होने में लग जाएगा, हो सकता है उसका भी रिजल्ट क्या रहेगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। तो जो बच्चे फेल हैं उनके लिए फिलहाल यही सोल्यूशन है, और उसके अलावा हम ये भी बताना चाहेंगे कि आप अपनी आईटी के क्लास इंचार्ज से भी संपर्क कीजिए इस बारे में, और जिनका रिजल्ट सही है वो एक्सेप्ट कर दीजिएगा, जिनको कोई भी आपके इशू नहीं है, और जिनका इशू है वो मैंने ये तरीका बता दिया, आप ये चीज कर सकते हैं। अगर आप 100% कॉन्फिडेंस है तभी आप साथियों कीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट 3 से 1.5 महीने में आएगा, हो सकता है उससे पहले आप एग्जाम भी री वाले हो सकते हैं, क्योंकि री वाले रिजल्ट के आने के 2 महीने के अंदर करवाने हैं, तो ये जुलाई में पॉसिबल हो सकते हैं आपके एग्जाम री अपीयर के। तो ये आप चीज सोच समझ के और खुद ही कीजिएगा, किसी दूसरे को मत बोलिएगा करने के लिए, खुद इस तरह से रिजल्ट खोलकर यहाँ पर क्लिक करके आप जो यस ओके
कर देंगे तो आपका सबमिट हो जाएगा, अदरवाइज आपने कैंसिल ही करना है अगर आप नहीं करना चाहते तो ये चीज़ आप खुद कीजिएगा। तो साथियों यदि सूचना अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिए दबा के, ताकि जिन जिन स्टूडेंट्स को इस तरह की प्रॉब्लम है उन तक ये वीडियो के माध्यम से सूचना पहुंच जाए। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और लेटेस्ट अपडेट के साथ। जय हिंद साथियों।